Welcome to AgriBegree free advisory session. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉटन में कौन सी स्टेज में जो पिंक बॉलबम है उसका इफेक्ट होता है और कौन से मेडिसिन यूज किए जाए जिससे उसका कंट्रोल हो सके। आज हम बात करेंगे एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की, जिनका यूज किस समय किया जाए जिससे अच्छा बेनिफिट लिया जाए। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले 3:19 एनपीके की, जिसमें 19:19:19 यानी कि नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास 19% होता है। यह एनपीके जो है प्लांट की शुरुआती अवस्था में आप यूज करें, एक टंकी में 70 से 80 ग्राम लेके इसका यूज करें। ये 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जाता है खेत में। ये एनपीके क्यों सहायक है पौधों के लिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो क्लोरोफिल निर्माण में बहुत ही सहायक है, प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ में बहुत सहायक है, इसलिए इसे शुरुआती अवस्था में दिया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें 12:61:0 के बारे में, तो जब अपने खेत में एक भी फूल देखना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अपनी जो फसल है वो लगभग महीने भर से ऊपर हो जाती है, तब 12:61:0 का यूज किया जाता है। इसका भी जो डोज है वो सेम रहता है, 70 से 80 ग्राम पर पंप के हिसाब से इसका यूज किया जाए, जिससे जो फ्लावर आएंगे वो बहुत ही अच्छे लगेंगे और ज़्यादा मात्रा में लगे, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा टॉनिक है जो एक प्लांट में एनर्जी प्रदान करता है। यानी कि फास्फोरस क्या करता है, वाइट रूट्स के निर्माण में तो सहायक है ही है, लेकिन जो फ्लावर आते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए एनपीके में सबसे ज़्यादा प्लांट को फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और इसमें 12:61:0 होता है। अगर हम तीसरे एनपीके की ओर जाएं, तो हम बात करते हैं एनपीके 05:34 की। एनपीके 05:34, अगर जब हम अपनी जो फसल है उसमें लगभग 40-50% ऊपर फ्लावर आने लग जाए, यानी कि अपनी जो फसल है 40 दिन ऊपर हो जाती है, तब इसका यूज किया जाए 70-80 ग्राम पर पंप के हिसाब से, या फिर 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका यूज किया जाए। इससे जो फ्लावर लगेंगे वो आपके बहुत ही अच्छे लगेंगे और ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, और जो फ्लावर ड्रॉप होने की जो समस्या होती है वो भी समस्या आपके नहीं आएगी। चौथा, अगर हम बात करें एनपीके वाटर सॉल्युबल में, तो सबसे लास्ट आता है अपने 0050, यानी कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तो 00% है, लेकिन जो पोटास है वो 50% है। अभी पोटास क्या होता है, पोटास क्या करता है, प्लांट में एनर्जी का एक एनर्जी का सोर्स तो है ही है, उसके साथ जो प्लांट में बायोटिक और अबायोटिक जो स्ट्रेस आ जाता है उस स्ट्रेस को दूर निकालने के लिए पोटास बहुत ही सहायक है। ये लास्ट में इसका ज़्यादा मात्रा में क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये फ्रूट की जो अपने सेफ है, सेफ हो गया, साइनिंग हो गई, वेट हो गया, कलर हो गया, उसको बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक होता है, इसलिए बहुत सारे अपने किसान भाई हैं 0050 को सबसे लास्ट अवस्था में, यानी कि जो फ्रूट की जो अवस्था होती है जिसमें साइज सेप बनना स्टार्ट हो जाता है, उस समय यूज किया जाए। अभी एक क्वेश्चन होता है कि ज़्यादातर किसानों का एक सवाल होता है कि ये जो एनपीके होते हैं ये एक टॉनिक के साथ यूज किया जाए या सिंगल यूज किया जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो ये किसान भाई हमेशा ध्यान दें कि ये सभी टॉनिक के साथ आप यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है बस कि ये किसी हर्बिसाइड के साथ यूज न किया जाए, ओनली फॉर किसी टॉनिक के साथ यूज जाए। और कौन सा टॉनिक किस समय लेना है वो आप थोड़ा देखिएगा कि प्लांट की स्टेज कौन सी है, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ है या प्लांट की फ्लावर की स्टेज है या प्लांट में अपने फ्रूट की स्टेज है। तो ये तीन स्टेज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए इसी तरह एग्री बेगरी चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।